हे गाइस, वेलकम टू रेसलिंग हिंदी एंटरटेनमेंट। तो गाइस, आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि क्या अल्बर्टो डेल रियो का WWE रिटर्न होने वाला है क्या पूरे अल्बर्ट। तो ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो अल्बर्टो डेल रियो फॉर्मर WWE चैंपियन रह चुके हैं, इसके साथ साथ वो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन भी रह चुके हैं और वो रॉयल रंबल विनर भी रह चुके हैं। और वो जब जब कंपनी में रहे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नाम कमाया है, लेकिन 2016 में उन्होंने कंपनी को छोड़ दिया था और उसके बाद इम्पैक्ट रेसलिंग में चले गए थे। लेकिन कुछ ऐसे कंट्रोवर्सी के कारण वो रेसलिंग से पूरी तरह से बाहर हो गए थे, लेकिन अब उन पर जो भी आरोप लगे थे वो पूरी तरह खारिज हो गए और झूठे निकले, जिससे वो अब पूरी तरह से अब उस कंट्रोवर्सी से दूर आ चुके हैं। और अब अल्बर्टो डेल रियो WWE में रिटर्न करना चाहते हैं और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि वो WWE में रिटर्न करना है। उन्होंने जो भी गलती की थी उसके लिए वो ट्रिपल एच एंड विंस मैकमैन को सॉरी भी बोलते हैं। एंड इसी को लेकर अल्बर्टो डेल रियो ने अपने ट्विटर पर एक पोस्ट किया जहाँ पर वो और WWE चैंपियनशिप है, जहाँ पर उन्होंने कैप्शन में लिखा कि वन मोर टाइम, और इससे उन्होंने टीज किया कि वो WWE अपना रिटर्न करना चाहते हैं और वो एक बार फिर से WWE चैंपियन बनना चाहते हैं। वो तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ क्योंकि अल्बर्टो डेल रियो कंपनी के काफ़ी अच्छे हील है और वो जब भी कंपनी में रहे बेस्ट हील्स में अल्बर्टो डेल रियो WWE हिस्ट्री के बेस्ट हील्स में से एक है और वो मेक्सिकन सुपरस्टार भी है। अगर ऐसा होगा तो काफ़ी अच्छा होगा और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो गाइस, वीडियो यही दिखती है, आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।